बहुत शानदार कवि हैं, बहुत शानदार गीत कहते हैं, गजलें कहते हैं, सामाजिक सरोकारों की सामाजिक विद्रूपताओं पर अपनी लेखनी चलाते हैं, तब मुझे डॉक्टर अशोक अज्ञानी मेरे मित्र है लखनऊ के, उनकी चार पंक्तियां याद आती हैं कि जीवन है गीत या की गजल कौन लिखेगा, जीवन है गीत या की गजल कौन लिखेगा, नफरत के बीच प्यार के पल कौन लिखेगा, मुजरिम भी मैं वकील भी मैं जज भी मैं ही हूँ, अगर हमने ना लिखा तो असल कौन लिखेगा। जीवन की असल बात तो दिलों ने बहुत सलीके से लिखा है, एक बार सलीकेदार ताजा बजा कर क्या मतलब करें भाई विनय शुक्ल अक्षर। ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। दर्शक दीर्घ में हमारे जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय राजेश ओझा जी, आदरणीय घनश्याम अवस्थी जी, हमारे अधिवक्ता साथी, मैं नाम सबका तो एक बार में नहीं ले सकता, सबकी उपस्थिति है सर, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वाणी ही एक ऐसा आभूषण रहा जो युगों तक लोगों को याद है। लिखा गया हमारे शास्त्रों में कि केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषाः, हारा न चंद्रो ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न पुष्पम न अलंकृता मूर्धजा, वाणी का सम्मान करोति पुरुषाः यथा संस्कृता धार्यन्ते क्षीयन्ते खलभूषणानि सुतम वारभूषण। समय के साथ साथ सारे आभूषण नष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक वाणी भी अद्भुत ऐसा आभूषण है जो हमेशा लोगों के दिलों में लोगों के दिमाग में बना रहेगा। मैं चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ और इससे पहले आपकी तालियां, आपकी जो ऊर्जा है हम तक पहुंचेगी तो हमें पता चलेगा कि हमें कितनी देर तक काफी पाठ करना है। मित्रों, अगर आपको यह लगेगा कि कहीं पर भी अक्षर तक हो गया तो मैं वहीं बैठ जाऊंगा। मैं चार पंक्तियां शुरू करता हूं और आदरणीय घनश्याम अवस्थी जी और तमाम विद्वत जन बैठे हैं, मैं आपका यहाँ पर दृष्टि के अनुसार सबने चित्र देखा, यहाँ पर दृष्टि के अनुसार सबने चित्र देखा है, कहीं पर शत्रु देखा तो कहीं पर मित्र देखा है, और किसी आलोक में व्यक्तित्व की खुशबू अलग होती, किसी आलोक में व्यक्तित्व की खुशबू अलग होती, गुलाबों को लगाते क्या किसी ने चित्र देखा है, गुलाबों को लगाते क्या किसी ने चित्र देखा है। यहाँ पर दृष्टि के अनुसार सबने चित्र देखा है, कहीं पर शत्रु देखा तो कहीं पर मित्र देखा है, और किसी आलोक में व्यक्तित्व की खुशबू अलग होती अलग होती, गुलाबों को लगाते क्या किसी ने इत्र देखा है, गुलाबों को लगाते क्या किसी ने इत्र देखा है। स्वामी विवेकानंद का चित्र हमारे बगल में है, हमारे आदर्श है, हम बचपन से स्वामी विवेकानंद जी को विद्या भारती के विद्यार्थी रहे पढ़ते आए हैं। मैं चार पंक्तियां स्वामी विवेकानंद जी पर पढ़ता हूँ कि चाहता है कौन जग में मूढ़ या मतिमंद होना, चाहता है कौन जग में मूढ़ या मतिमंद होना, कौन चाहेगा नहीं वर मुक्ति पास आनंद होना, किंतु दिक्कत यही पर है कि चाहता है कौन जग में मूढ़ या मतिमंद होना, कौन चाहेगा नहीं वर मुक्ति पास आनंद होना, किंतु कोई पंथ पर है अनवरत चलता कहां, चाहते तो सब यहां पर है विवेकानंद, चाहते तो सब यहां पर है विवेकानंद होना। और स्वाभिमान की बात आती है, मित्रों हम वो लोग हैं जो सीने पर गोलियां उठा लेते हैं लेकिन किसी की अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं, घास की रोटियां खा लेने वाले मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार करने वाले महाराणा प्रताप के बेटे हैं। मैं चार पंक्तियां स्वाभिमान पर पढ़ता हूँ कि भले रह जाए भूखे पर निवालों पर नहीं रोते, भले रह जाए स्वाभिमान की पराकाष्ठा देखिएगा कि भले रह जाए भूखे पर निवालों पर नहीं रोते, नहीं रोते पटक कर मांस अपना वो शिवालों पर नहीं रोते। यहाँ कुछ लोग हैं जो आग पर चलते तो हैं लेकिन किसी से बैठ कर पाँव के छालों पर नहीं रोते, किसी से बैठ कर पाँव के छालों पर नहीं रोते, किसी से बैठ कर पाँव के छालों पर नहीं रोते। और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हमारे सामने जो युवा पीढ़ी बैठी है, देश नहीं की बदौलत तो सीमाओं पर हमारी युवा बंधु टांगे खड़े हैं, नहीं के बल पर तो देश चलता है, तब मुझे लिखना पड़ता है कि नहीं किसी की चौखट से है, नहीं किसी अंगराई किसी अंगराई से, नहीं किसी की चौखट से है, नहीं किसी अंगराई से, ना ही मरुदल के दम पर है और न है अंगराई से, और संकट के बादल जब छाए तब तब यह विश्वास होगा भारत
सुरक्षित है भारत का, भारत की करुणाई से भारत सुरक्षित है, भारत का भारत की करुणाई से। तो ये भारत की करुणाई जब सीमाओं पर बंदूक टांगकर अपने घर से निकलती है तो हमारी माताएं क्या कहकर, हमारी बहनें, हमारी हमारे घरों की हमारी भाभियां हमको क्या कहकर सीमाओं पर भेजती हैं। इस देश की पत्नियां अपने पति को मैं चार पंक्तियों में बताता हूं मित्रों, और आपकी तालियां बताएंगी कि क्या मैंने सही कह दिया। माताएं कहती हैं कि विजय से पूर्व लेने को कभी आशीष मत आना, विजय से पूर्व लेने को कभी आशीष मत आना, बनाकर बैरियों को इस धरा का अधीश मत आना, भले कुछ भी बकाए पर मेरे भारत की रक्षा में कटाकर भी भले आना झुकाकर शीश मत आना, कटाकर भी भले आना झुकाकर शीश मत आना। और हमारी आंतरिक लड़ाई इससे है जो देश में एक दूसरा पाकिस्तान पनप रहा है उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन हमारे कवि जो कवि होता है वो युग दृष्टा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में लिखी गई बातें आज हम जब कसौटी पर देखते हैं तो बिल्कुल सत प्रतिशत खड़ी उतरती हैं। तो कवि युग दृष्टा होता है, वो लिखता है तब लिखना पड़ता है कि सभी को शांति के हित को सहन करना जरूरी है, भले हो बोझ इनको तो वहन करना जरूरी है, और यहाँ का अन्न खाकर यह करें यदि बात लंका की निशाचर राज की लंका दहन करना जरूरी है, राज की लंका दहन करना जरूरी है। और मैं पढ़ता हूं कि लिखा जाए अगर तो देश का वंदन, लिखा जाए अगर तो देश का वंदन लिखा जाए, सदा ही सैनिकों का मान अभिनंदन लिखा जाए, और लुटाए हैं बहुत से शब्द नित महबूब का रक्षक, लगा जो भारती के भाल पर चंदन लिखा जाए, लगा जो भारती के भाल पर चंदन लिखा जाए, और क्या लिखा जाए कि राज कर्कशी छोड़ के मधुरी मधुरी तान लिखी जाए, नहीं रुदन की चाह किसी को बस मुस्कान लिखी जाए, तो सत्य सनातन आर्यव्रत के महलों की जो नींव बने सबसे पहले उन्हीं चेहरों की पहचान लिखी जाए, सबसे पहले उन्हीं चेहरों की पहचान लिखी जाए। और मैं अपनी एक कविता की ओर ले चलता हूँ मित्रों, 12 पंक्तियों की एक कविता है, आप 11 पंक्तियों तक शांति से सुनिएगा, मुझे पता है आप पंक्ति पर आप अपनी तालियां नहीं रोक पाए। तो क्या लिखा जाए, धरती और गगन पर लिखना, ऐसा आपने कहा था मैं गजल नहीं लिखा, धरती और गगन पर लिखना, एक बेमन से मन पर लिखना, बिना प्रेम के बहुत कठिन है भावे और सुमन पर लिखना, बिना प्रेम के बहुत कठिन है भावे और सुमन पर लिखना, कि मिली पराजय तो सीखोगे खुद से किए जतन पर लिखना, उत्थानों के पक्ष में जाकर भूलो नहीं पतन पर लिखना, उत्थानों के पक्ष में जाकर भूलो नहीं पतन पर लिखना, वो कविता हमको सिखा रही है, कविता हमको सिखा रही है सबकी पीर चुहन पर लिखना, कविता हमको सिखा रही है सबकी पीर चुहन पर लिखना, तो जाति पात सब बाद में अक्षर पहले से वतन पर लिखना, सबके खून बहे होंगे, सब बेटे हैं भारत माँ के सबके खून बहे होंगे, फूलों की वो सेज रही थी तन पर सूझ रहे होंगे, अंगारों का बना बिछोना, अंगारों को बना बिछोना खुशियां सारी भूल गए, इकलौते यौवन को देखो कैसे फांसी झूल गए, और स्वाभिमान पर आज पड़ी तो हर एक वाणी महक उठी, माटी माटी गर्व खोकर चंदन बन गए महक उठी, और थे बूढ़े पर शेर बने जो वो बलिदानी याद करो, थे बूढ़े पर शेर बने जो वो बलिदानी याद करो, रग रग में अंगार भरे तो वही कहानी याद करो, और कहीं तिलक सुखदेव कहीं अष्टांग रचना करते थे, कहीं भगत सुखदेव कहीं अष्टांग रचना करते थे, कहीं तिलक अपने शब्दों से क्रांति सर्जना करते थे, और आखिरी पंक्तियां आपके समक्ष आ रही है कि कहीं तिलक अपने शब्दों से क्रांति सर्जना करते थे, और आजादी को चले मांगने अच्छी सीख नहीं होती, ये तो हर मानव का हक है मांगी भीख नहीं होती, मैं आंखों का बहता पानी सबके दिल का रोष उठूं, हिंद फौज के गर्व पथ पर नेताजी का घोष उठूं, अरे सत्य सहिंसा व्रत पालक पे तुमको नमन करूंगा मैं, पर कोई आजाद भुला दे कैसे सहन करूंगा, पर कोई आजाद भुला दे
करूंगा मैं, पर कोई याद आप भुला दे कैसे सहन करूंगा मैं, और आपको मैं अपने उस गीत की ओर लेकर चलता हूँ। सब युद्ध जरूरी होता है, मित्रों इस गीत की इतनी भूमिका है कि वर्तमान परिदृश्य में यदि कहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन अपने को इतने टेक दे और कहे हे प्रभु मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण वर्तमान परिदृश्य में क्या कहेंगे? क्योंकि उस महाभारत के समय में कौरवों की कुछ तो संख्या निश्चित थी, आज कितने कौरव में पता नहीं शायद, तब मुझे लिखना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि आभासी स्वर्ण हिरण से जब सीता का हरण किया जाए, आभासी स्वर्ण हिरण से जब सीता का हरण किया जाए, अपमानित होता सत्यधान बुद्धा का वरण किया जाए, जब काल ने बजरंगी की राहों में डेरा डाले हो, जब रावण कुटिल नीतियों की मन में अभिलाषा पाले हो, जब भरी सभा में दुर्भर सुधा फिर अपमानित की जाती हो, जब कुंती पुत्रों की राहें हर क्षण बाधित की जाती हो, तब अंत सबका होना युद्ध जरूरी होता है। केशव कहते हैं पांच दिनों तक युद्ध जरूरी हो रहा है, जरूरी होता है, और कब युद्ध जरूरी होता है? जब भाई कुटिल कामी बनकर दुष्टों का रक्षण करता हो, या अन्यायी को आश्रय दे पापों का रक्षण करता हो, जब चीर हरण कर लेने को हर ओर दुशासन होता हो, जब काली दे भारत माँ को ऊंचा सा भाषण होता हो, जब टुकड़े टुकड़े भारत को करने के नारे लगते हो, जब कुछ लोगों को भारत के दुश्मन भी प्यारे लगते हो, तब नहीं हमें बनना ऐसे पर युद्ध जरूरी होता है। केशव कहते हैं पांच दिनों तब युद्ध जरूरी होता है, युद्ध जरूरी होता है, और इस गीत का आखिरी बंद करता हूं। और तब युद्ध आवश्यक होता है जब कश्मीर में भारत के जयकारे पर पाबंदी हो, जब वोट बैंक की खाते सस्ती जय चंदों की मंडी हो। अरे मित्रों इस देश में महाराणा प्रताप को ग्रेड भी पढ़ाया जाता है, कबर भी ग्रेड पढ़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा ये कविता सुनिएगा, कि जब कश्मीर में भारत के जयकारे पर पाबंदी हो, जब वोट बैंक की खाते सस्ती जय चंदों की मंडी हो, जब राणा का शौर्य मूर्त को छौर पढ़ाया जाता हो, जब जेहादी अरमानों को परवान चढ़ाया जाता हो, जब अफजल की बरसी पर भी शोक मनाया जाता हो, जब सरेआम हर भारत का हर रोज जलाया जाता हो, तब अग्नि धर्म हर श्रद्धा होना शुद्ध जरूरी होता है। ये सब कहते थे पांच दिनों तब युद्ध जरूरी होता है। जय जय।